नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज है 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 की जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हम लोग उसके बारे में ए टू जेड डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में विकास आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फिलहाल ही? तो दोस्तों वर्तमान में जो है कि अभी विकास आयुक्त अभी अतुल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अतुल प्रसाद को विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। आमिर सुबहानी जो है कि विकास आयुक्त थे, तो अब इसको मुख्य सचिव बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, आप लोग जो है कि इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, कादर खान की पुण्यतिथि किस तारीख को होती है? देखो कादर खान की पुण्यतिथि 31 दिसंबर को होगी। तो दोस्तों इनके बारे में हम लोग जो है कि ज़्यादा चर्चा करेंगे कल, अगले वीडियो में जो है कि चर्चा करने वाले हैं, अभी फिलहाल इतना ही। तीसरा प्रश्न है, बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन बी सेहन से हो जाएगा, आमिर सुबहानी को जो है कि बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अतुल प्रसाद को विकास आयुक्त जो है कि नियुक्त किया गया और त्रिपुरारी शरण जो है कि मुख्य सचिव से जो है कि अब क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। नव विकास बैंक ने चौथा नया सदस्य के रूप में किसे अपना सदस्य बनाया है? इसका ऑप्शन ए सेंस हो जाएगा, मिस्र। यह दोस्तों अब पाँचवा सवाल है, पाँचवा प्रश्न है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। और छठा प्रश्न है आपके लिए, देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया जाएगा? इसका ऑप्शन सी सेंस हो जाएगा, विक्रम मिश्री। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी दिनों से जो है कि करंट अफेयर में डाल रहा हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। विक्रम, देखिए यहाँ पे पंकज शरण जो है कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब आज ही ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं डिप्टी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग जो है कि इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डेड का विमोचन किया? देखिए किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डेड, इसकी पहली पुस्तक है बैचलर डेड का विमोचन किया, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तुषार कपूर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने के लिए सीएम डैशबोर्ड 360 एक निगरानी प्रणाली शुरू की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने जो है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने के लिए, उस पर नज़र देने के लिए सीएम डैशबोर्ड 360 एक निगरानी प्रणाली जो है कि शुरू करी है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नौवां प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री, किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? इसका ऑप्शन जो है कि ए सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई जो है कि मुंबई के पर्यावरण और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड जो है कि लॉन्च किया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। दसवां प्रश्न है, पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मदर टेरेसा मेमोरियल। तो दोस्तों तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कल पूछा गया था और आज भी जो है कि इस वीडियो में डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को रिवीजन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों आज के लिए आपका सवाल है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो
इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आ सके इसकी सारी पॉइंट। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।